हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इटर्नल फूडी चैनल। मैं आरती। अभी गर्मी भी बढ़ रही है और हम सब लोग कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग एंड ठंडा पीना चाहते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्विक एंड ट्रेडिशनल रेसिपी, वो है आमपना। आमपना बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आप इसको फ्रिज में 1 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते हो। चलो तो फिर आज आमपना बनाना शुरू करते हैं। बट इसके पहले जो लोग नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए रेसिपी लेके आते रहेंगे। आमपना कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कच्चा आम, इसको केचू कैरी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम आम का ऊपर का छिलका निकाल लेते हैं। अब हम इसको रफली छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आम को मैंने ऐसे ही रफली चॉप किया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं और कढ़ाई को गैस पर रखते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं, फिर स्वादानुसार नमक डालते हैं। अब हम इसको 5 to 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख के लीड लगा लेते हैं। आफ्टर 5 to 6 मिनट लीड को हटा देते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, आम अभी सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको 5 मिनट ठंडा होने रख देते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स हम मिक्सर को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। अब हम बनाते हैं शुगर सिरप। इसके लिए गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 कप शुगर, 1/2 ग्लास पानी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मीडियम फ्लेम पर। शुगर सिरप हमें ऐसा बनाना है कि वो उंगलियों को चिपचिपा लगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। यहाँ पर हमारा सिरप अभी चिपचिपा लग रहा है, तो अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ पल्प डाल देते हैं। अब ये पल्प को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 4 to 5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। अभी हमें इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम इस आम कॉन्सेंट्रेट को अच्छे से छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। यहाँ पर हमारा आमपना कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल रेडी है। आप इसको एक जार या बॉटल में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 ग्लास। अब हम ग्लास में डाल देते हैं आइस क्यूब, फिर इसमें डाल देते हैं आम कॉन्सेंट्रेट। और ऊपर से डाल देते हैं ठंडा पानी और इसको करना है अच्छे से मिक्स। मैं यहाँ पर 1-1 आम का पीस डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा आमपना बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये आमपना कॉन्सेंट्रेट की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी।